सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन्ड चैनल को, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं आपको गूगल क्रोम की कुछ सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को इनक्रीज करेगा। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम। उसके बाद आप किसी भी वेबसाइट को एक सर्च कीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँगा पिक्साबे। हम पिक्साबे पे क्लिक करके वेबसाइट को ओपन करेंगे। अभी आप राइट साइड पे जो ट्रिपल डॉट है उस पर क्लिक कीजिए। मोर टूल्स पे जाके क्रिएट शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने क्रिएट कर लिया है। अगर आप वेबसाइट को ज़्यादा यूज करते हैं तो उसको आपको बार बार ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डेस्कटॉप की शॉर्टकट से उसे एक्सेस कर सकते हैं। आप जो वेबसाइट ज़्यादा यूज करते हैं उसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। अगला टिप्स है गूगल सर्च इंजन। जो हमारा डिफ़ॉल्ट गूगल ही रहता है, हम उसको चेंज कर सकते हैं सेटिंग पे जाके। उसके बाद हमको जाना होगा सर्च इंजन। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे डग डग गो। यहाँ पर हम न्यू टैब ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा सर्च इंजन चेंज हो चुका है। यहाँ पर हम सेटिंग भी कर सकते हैं। मैनेज सेटिंग पे जाके यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रीसेट्स हैं। आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं और जो दिया गया है उसको एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हमारे कंप्यूटर पे टास्क मैनेजर है, वैसे ही गूगल क्रोम पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन है। मोर टूल पे जाके टास्क मैनेजर को आप ओपन करके देख सकते हैं कौन सी एप्लीकेशन गूगल क्रोम में रन हो रहा है। आप इसको एन टास्क भी कर सकते हैं। वहाँ पर आप राइट क्लिक करके सीपीयू टाइम भी देख सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शन है आप देख सकते हैं, जैसे कि जीपीयू, सब कुछ वहाँ पर आप टिक मार्क करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रोम फ्लैग्स। ये क्रोम की एक एक्सपेरिमेंटल फीचर है। यहाँ पर हम सर्च करेंगे पैरेलल डाउनलोडिंग। पैरेलल डाउनलोडिंग को एनेबल करने से जैसे आपकी डाउनलोड मैनेजर फंक्शन करता है, ये उसी तरह फंक्शन करेगा और आपकी जो डाउनलोडिंग की स्पीड है वो इम्प्रूवमेंट होगा। ऐसे ही बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल फीचर दिया गया है, आप चाहें तो यूज में ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जब गूगल क्रोम खोलें गूगल की पेज ही आपको शो हो, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ओन स्टार्टअप पे। आप ओपन स्पेसिफिक पेज पे जाके कोई भी आपकी इम्पोर्टेंट पेज भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड पेज पे जाके टाइप करूँगा www.google.com। अभी ये आप ऐड करने के बाद आप जब भी क्लिक करेंगे न्यू टैब या फिर गूगल क्रोम को ओपन करेंगे तो google.com ही खुलेगा। इसी तरह आप कोई भी स्पेसिफिक पेज को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है होम बटन। आपको सेटिंग पर जाना होगा, उसके बाद आपको क्लिक करना होगा अपीयरेंस पे। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा शो होम बटन। शो होम बटन पे क्लिक करके आप यहाँ पर पेज एड्रेस सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टाइप करूँगा www.google.com। अभी आप देख सकते हैं होम बटन ऊपर एक्टिव हो चुका है। आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट google.com पे जा सकते हैं या फिर आप वहाँ पर कोई भी वेबसाइट देख के उस पर जा सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्साबे वेबसाइट खुला हुआ है। उसके बाद अभी मैं होम बटन पे क्लिक करूँगा, ये डायरेक्टली मैं गूगल पे चला जाऊँगा। कभी कभी हमारे गूगल क्रोम में हम काम करते वक्त कुछ सेटिंग चेंज कर देते हैं, तो इसको आपको डिफॉल्ट सेट करने के लिए आप रीसेट एंड क्लीन में जाके रिस्टोर सेटिंग्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।